हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्लांट्स फॉर गार्डनिंग में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज मैं आप लोगों से सागो पाम या इसे कह लीजिए साइकस पाम भी बोलते हैं इस प्लांट को। तो बहुत ही प्यारा प्लांट होता है लेकिन बहुत हार्डी प्लांट होता है। वैसे तो ये ज़मीन में बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। ज़मीन में आपने देखा होगा पार्कों में या रोड के किनारे काफ़ी जगह पे मैंने देखा है ये लगा रहता है और बहुत बड़ा प्लांट, हैवी प्लांट बन जाता है बिल्कुल। लेकिन हम लोगों को इतना शौक होता है कि बड़े प्लांट को भी छोटा बना के उसको हम लोग गमले में लगा लेते हैं। ये प्लांट मेरा लमसम 2 साल का हो गया है और पहले तो इसकी ग्रोथ हो ही नहीं रही थी। और पहले चीज़ तो मुझे पता भी नहीं था इसमें ग्रोथ कब होती, क्योंकि मैंने पहली बार लगाया था। अब मुझे पता चल गया है इसकी ग्रोथ कब होती। इसकी ग्रोथ दोस्तों वही बारिश के टाइम पे होती है, बारिश के कुछ महीने पहले होने शुरू हो जाती है और बारिश तक होती रहती है। बारिश जब होती है तब जो है इसमें ग्रोथ मैंने देखा काफ़ी बढ़िया होती है। इसके नए नए लीव्स निकलते हैं और नई ग्रोथ होती है। पहले तो मैं इसमें देखती थी 2-4 पत्ते रहते थे, लेकिन अब मेरे प्लांट में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो आज मैं आप लोगों से इसके बारे में बात करूंगी और इसकी कंप्लीट केयर भी आप लोगों को बताऊंगी, ताकि आप लोग इस सीज़न में इसको अगर लगाना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। तो दोस्तों नर्सरी पे भी ये बहुत ही ज़्यादा कम रेट पे मिलता है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं मिलता है, मतलब 50 रुपीज़ का मिल जाता है, 50 से 60 रुपीज़ मान लीजिए मिल जाता है इतने में। और जब भी इसको लेने जाइए छोटा सा ही ये प्लांट मिलता है, इसको जब भी लाइए घर में लगाइए। तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात ये है कि आप लोग जब इसकी जो है मिट्टी तैयार करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा वलड्रेन बनानी पड़ती है। मिट्टी में आपको मिलाना क्या क्या है, आपको मिट्टी में पहली चीज़ तो सैंडी सॉयल बनाना है। सैंडी सॉयल इसलिए कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा वलड्रेन मिट्टी बनानी है। तो वलड्रेन का मतलब आप समझते ही हैं कि वलड्रेन मिट्टी कैसे बनाई जाती है। उसमें आप जो है 2 भाग वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए, बालू मिट्टी की मात्रा 2 भाग ले लीजिए, अपने गार्डन की सॉयल 1 भाग ले लीजिए, नाइट्रोजन की मात्रा उस मिट्टी में ज़्यादा मिलाइए, जिन खाद में नाइट्रोजन ज़्यादा होती है उसको ज़्यादा मिलाइए, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसकी मिट्टी में नाइट्रोजन होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसा कि आप देख सकते हो ये लीफ लविंग प्लांट है, तो इसको नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो खादें इसको दीजिए जिसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम और नाइट्रोजन ज़्यादा हो। तो मिट्टी आपको बहुत ज़्यादा वलड्रेन बनानी है, इतना आपको याद रखना है कि पानी बिल्कुल नीचे रुकना नहीं चाहिए, पानी वलड्रेन बहुत जल्दी हो जाए, इस तरह से मिट्टी आपको तैयार करना है। गमला आप जो है कैसा भी लीजिए, बहुत हार्डी प्लांट है, ये सारे गमलों में ग्रोथ कर जाता है, चाहे वो सीमेंट का हो, चाहे वो प्लास्टिक का हो और चाहे वो मिट्टी का गमला हो। गमले का साइज आप प्लांट के हिसाब से प्रोवाइड करते जाइए, जैसे छोटा प्लांट हो तो छोटे गमले में, बड़ा प्लांट हो तो बड़े गमले में, इस तरह से आप करते जाइए। सनलाइट की बात करें तो सनलाइट आपको ऐसी जगह रखना है जहां आधे दिन की सनलाइट इसको अच्छी से आसानी से मिल जाए। तो फुल सनलाइट में भी ये चल जाता है, लेकिन वो विंटर सीजन की फुल सनलाइट में हो तो चल जाता है, लेकिन समर सीजन की जो फुल सनलाइट होती है उससे थोड़ा सा इसकी पत्तियां बर्न होने लगती हैं, पत्तियां ख़राब होने लगती हैं। इसलिए कोशिश ये करिए कि इसे आधे दिन की सनलाइट मिले, ऐसे जगह पे आपको रखना है। बात करती हूँ पानी देना, तो पानी तब दीजिए जब इसकी जो है मिट्टी 1 इंच ड्राई हो जाए बहुत ज़्यादा। इस समय दोस्तों पानी देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि मानसून का टाइम चल रहा है और मानसून में पानी नहीं दिया जाता प्लांटों को। बारिश का पानी जब पड़ता है इन प्लांटों में तो बहुत अच्छी ग्रोथ भी होती, इसलिए पानी जो है, वैसे भी गर्मियों में जैसे मई जून का महीना होता है तो एक टाइम इनको पानी दे दीजिए, और वैसे गर्मी होती है तो मिट्टी बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है, तो उस टाइम पे आप लोग पानी एक टाइम इसको शाम को दे दिया करिए। लेकिन इस समय जब मानसून चल रहा है तो पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप देख सकते हो मेरा प्लांट बहुत ही छोटे से गमले में लगा है और बहुत ही मुझे अच्छा लगता है ये प्लांट, और नई नई ग्रोथ भी इस समय हो रही, क्योंकि मानसून में मैंने बताया कि बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ होती है, मतलब नई नई ग्रोथ करता है, नई नई लीव्स निकालता है। और इसका जो लुक ऊपर से आप देखोगे बिल्कुल घोंसले के जैसे बना होता है, जैसा घोंसला नहीं होता है अंदर साइड में, तो उस तरह से बना होता है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अब इसमें मैं फर्टिलाइज़र की अगर बात करती हूँ, तो फर्टिलाइज़र में आप, मैंने बताया आप लोगों को, जिसमें नाइट्रोजन हो, मैग्नीशियम हो, पोटेशियम हो, ये 3 चीज़ भरपूर मात्रा में हो,
तब वो खाद आपको इसको देना है ताकि इसकी जो लीव्स का जो कलर है वो अच्छा है। अच्छा एक चीज़ और है, अगर इसमें नाइट्रोजन की कमी होगी, पोटेशियम की कमी होगी और मैग्नीशियम की कमी होगी तो ये शो कर देता है। इसकी पत्तियाँ जो होती हैं, पत्तियों पे छोटे छोटे से आप लोग देखेंगे धब्बे निकल आते हैं। वो कब निकलते हैं? जब इनमें खाद की कमी, फर्टिलाइज़र की कमी होती, पोटेशियम मैग्नीशियम की कमी होती है। नाइट्रोजन मैंने इसलिए बताया क्योंकि जब पत्तियों का कलर जब लाइट आता है तब समझ लीजिए इसको नाइट्रोजन की कमी है। इसको सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन देना है तो आपको गोबर की खाद दीजिए, वर्मी कंपोस्ट जिसे बोलते हैं, बहुत अच्छी खाद होती है। इसकी जो पत्तियां हैं, जो लीव्स हैं, बहुत ही ज़्यादा कलर में अच्छी आएंगी और डार्क आएंगी। तो ये चीज़ आपको देना है उस समय, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और पोटेशियम, ये तीन फर्टिलाइज़र इसको आप हर 15-20 दिन पर देते रहिए अच्छे से, ये बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। आप इसको नाइट्रोजन ज़्यादा दीजिए और NPK 90-99 भी पानी में घोल के आप इसको हर 15-20 दिन पे दिया जाता है वो दे सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ जो इसमें मेजर प्रॉब्लम होती है, जो बहुत ज़्यादा ही होती है, मैंने देखा है कि इस प्लांट में जो लीव्स होती हैं वो उसको लगता है जैसे कोई ऐसा इंसेक्ट होता है जो उसको खा जाता है। पत्तियां जो हैं जो नई होती पुरानी होती वो खाता रहता है, हमने अक्सर देखा। तो मुझे पहले तो समझ नहीं आ रहा था ये किस कारण होता है, क्योंकि मैंने बताया आपको ये पहली बार मैंने प्लांट लगाया और पहली बार का एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ आपको। तो इसमें एक इंसेक्ट होता है, उसका नाम लैपेट मोट नाम का इंसेक्ट होता है, वो इस पर लग जाता है, वो इसकी पत्तियों को खाता रहता है। वो क्या करता है कि इसका जो अपना लार्वा होता है वो पत्तों की साइड में दे देता है और पत्ते की साइड में देने के बाद वही उसको खाता रहता है। तो उसके लिए उस टाइम आपको करना क्या है, इसको हटाने के लिए तो करना क्या है, ऐसा कोई फर्टिलाइज़र आपको देना है, इंसेक्टिसाइड देना है जो इस पर अच्छा काम करे। तो आप हर 15 दिन पे इसमें डेली जो है आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हो। नीम ऑयल भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। नीम ऑयल के अलावा आप मेलाथियोन दे सकते हो जो पानी में घोल के दिया जाता है इंसेक्टिसाइड, वो भी बहुत अच्छा होता है। और आप नीम ऑयल या नीम का जो फर्टिलाइज़र होता है वो दीजिए, ज़्यादा बेहतर होता है, सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक होता है। इसकी पत्तियां जो देख सकते हैं आप, इतना ज़्यादा हमारी पत्तियाँ जो प्लांट की हैं उसने खा लिया ऐसा देखने में लगता है। तो ये आप फर्टिलाइज़र दीजिए इसको हर 15 दिन पे। हर नीम का फर्टिलाइज़र तो आप डेली स्प्रे कर सकते हो, उससे इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पत्तियों का कलर भी आएगा और जो इंसेक्ट लग जाता है वो भी कम लगेगा। कभी कभी देखा होगा मिलीबग भी लग जाता है, तो आप नीम ऑयल का जो स्प्रे होता है वो दीजिए। और दूसरी चीज़ है जो मैंने नीम का फर्टिलाइज़र बनाना बताया है, मेरे चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो मेरे चैनल पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बारे में और भी वीडियोस पड़े हुए वो देख सकते हैं, और फर्टिलाइज़र भी मैंने बनाना बताया है वो भी आप लोग देख सकते हो। तो नीम ऑयल का इसको स्प्रे करिए हर दिन, मतलब आपको कुछ दिन रोज़ इसको स्प्रे करना पड़ेगा। और नीम का जो फर्टिलाइज़र मैंने बनाना बताया है, डालना भी बताया है, आप लोग वो इसमें डाल सकते हो। उसके डालने से ना ही तो इस पर लैपेट मोट नामक जो इंसेक्ट रहता है वो नहीं रहेगा और इसमें कोई भी फंगल नहीं लगेगा। पत्तियां ज़्यादा गीली होने के कारण ऐसा होता है, जब बारिश का टाइम होता है इसमें ग्रोथ तो अच्छी होती है लेकिन इंसेक्ट बहुत जल्दी लगता है, इसलिए जो है इसमें बारिश का पानी भी पड़ना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए। तो पत्तियाँ गीली रहती हैं और ग्रोथ अच्छी होती है तो ये तो सब ठीक है, लेकिन हमें इंसेक्ट से भी बचाना है प्लांट को। तो जो चीज़ें मैंने बताई हैं आप लोगों को, उस तरह से आप अगर इसको केयर करेंगे, इसको जो है फर्टिलाइज़र देंगे, इसको इंसेक्टिसाइड देंगे, तो ये प्लांट आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा और देखने में भी काफ़ी मतलब जो है अच्छा लगेगा। तो आप लोग ये फर्टिलाइज़र दीजिए और जो है हर 15 दिन पे इसमें फर्टिलाइज़र आप जो जैसे कि मैंने बताया आपको NPK 90-90 दे सकते हैं। आप बनाना पील्स का जो केले के जो छिक्कल होते हैं वो सुखा लीजिए और गमलों के साइड में आप डाल सकते हो, वो दे सकते हो, या फिर लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना पील्स का बना लीजिए, वो भी बहुत अच्छी तरीके से काम करता है।
अब बात करती हूँ, ये कटिंग से तो दोस्तों तैयार नहीं होता है, ये रूट्स से तैयार होता है। नीचे की जो इसका जो कोडेक होता है उससे ये दूसरा प्लांट तैयार होता है। एक दो साल में ये फ्लावरिंग भी करता है, थोड़ा सा फूल इसके अंदर जो निकलते हैं उससे उसमें बीज रहते हैं, बीज से भी यह बहुत आसानी से तैयार हो जाता है। इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी आप लोगों के लिए, तब आपको बताऊँगी। तो आज का वीडियो यहीं रोकती हूँ। कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ, कोई नया टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए ध्यान रखिए। ओके फ्रेंड, बाय।